गुरुदेव, यहाँ पर एक जो बड़ा ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि आज के जो हमारी युवा पीढ़ी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से कहीं ना कहीं बचती है। क्या ये भी एक कारण हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप की तरफ मुड़ने का? अगर हम विवाह करेंगे, शादी करेंगे, तो हम पर समाज का हर तरह का दबाव आएगा, हमें अपने जीवन साथी की जिम्मेदारी लेनी होगी, और अगर हम लिव इन में रहते हैं तो हम वो पूरी लाइफ एंजॉय तो करते हैं, लेकिन हमें जिम्मेदारियों से एज सच बंधा नहीं पड़ता है। लेकिन गुरुदेव, जब इस तरह के रिश्ते टूटते हैं तो उसके जो दुष्परिणाम होते हैं वो जरूर देखने को मिलते हैं, इस पर आप कैसे प्रकाश डालेंगे? नो डाउट यह रिलेशनशिप आकर्षित करती है लोगों को, इसीलिए आकर्षित करती है कि शायद इसमें जिम्मेदारी का बोझ नहीं पड़ेगा, शायद इसमें हम जब तक चाहेंगे मौज करेंगे, जब चाहेंगे तो इस रिश्ते से बाहर हो जाएंगे। यह आकर्षित तो करता है, लेकिन इसके दुष्परिणाम थोड़े ही दिनों में युवक और युवती दोनों को झेलने पड़ते हैं, और फिर दोनों को पछताना भी पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसलिए यह कह पाना निश्चित रूप से उचित नहीं है। यह व्यवस्था किसी भी प्रकार से युवक और युवतियों के लिए लाभकारी हो सकती है। अगर मैं सामान्य रूप से इस तथ्य को दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ तो बात सिर्फ इतनी है कि युवक और युवती जिन कारणों से इस लिव इन रिलेशनशिप की ओर दौड़ रहे हैं, उनके कुछ दूसरे आधार निर्मित किए जा सकते हैं। हमारी पारंपरिक विवाह व्यवस्था में कुछ मूलभूत सुधार किए जाने की आवश्यकता है। जिन मान्यताओं को अब अर्थहीन समझा जा रहा है, वैज्ञानिक दृष्टि से, सामाजिक विकास की दृष्टि से, मानवीयता की दृष्टि से, उन महत्वपूर्ण आयामों को हमारी पुरानी परंपराओं में समावेशित किए जाने की ज़रूरत है। हमारी पुरानी परंपराओं को नए परिवेश में कुछ न कुछ रूपांतरित करने की, उसमें संशोधन लाने की आवश्यकता है। जैसे हमें जातीय विवाह के बंधन से युवक और युवतियों को मुक्त करना है, इसके लिए एक हवा फैलाने की ज़रूरत है। हम अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित करें, लिव इन रिलेशनशिप स्वतः टूटने लगेगी, क्योंकि इस भय से कि हमारे अंतर जातीय संबंध को समाज के द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए लोग लिव इन रिलेशनशिप की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन अगर एक हवा पैदा की जाए, एक वैज्ञानिक परिवेश पैदा किया जाए कि अंतर जातीय विवाह ज़्यादा उपयोगी है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा मानवीयता है, वास्तव में मनुष्य एक जाति अर्थहीन है, अब इसे ढोया नहीं जा सकता है, तो इसके लिए हमारे पुरानी परंपरा और पुरानी पीढ़ी के लोगों को भी खुले दिमाग का होना चाहिए, खुले दिमाग से इनका स्वागत करना चाहिए। ऐसे ही जो धार्मिक बंधन है, उन धार्मिक मान्यताओं को भी हमें संशोधित करना चाहिए, उनमें हमें हर तरह के नई और अच्छी चीज़ों के लिए स्पेस देनी चाहिए, जगह निर्मित करनी चाहिए। इसी प्रकार अगर हम अपने को इन तलों पर पुरानी परंपराओं में संशोधन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, हर नए शुभ वैज्ञानिक अर्थपूर्ण औचित्यपूर्ण परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं, तो हमारी विवाह की व्यवस्था इतनी वैज्ञानिक है, इतनी सुदृढ़ है, इतनी अर्थपूर्ण है कि उसे हटाया नहीं जा सकता है। और जब तक कोई बेहतर व्यवस्था का विकल्प हमारे सामने न हो, हमें पुरानी व्यवस्था को छोड़ देने की या उसके खिलाफ अर्थहीन आधारहीन विद्रोह करने की युवक और युवतियों को कोई चेष्टा नहीं करनी चाहिए। युवक और युवतियों को पुरानी व्यवस्था में सुधार की ओर सक्रिय होने की आवश्यकता है, सुधार लाने की दिशा में विद्रोहपूर्ण क्रांति करने की आवश्यकता है, नए नए मापदंड निर्धारित करने की आवश्यकता है। लेकिन जो हमारी वैवाहिक व्यवस्था का मूल है, भारतवर्ष में एक युवक और युवती एक दूसरे से विवाह सूत्र में बंधता है, तो यह विवाह संबंध पूर्ण
पूरे जीवन के लिए पक्का हो जाता है, पूरे जीवन के लिए निश्चित हो जाता है, पूरे जीवन के लिए यह विवाह संबंध अक्षुण हो जाता है। और यह बहुत बड़ा सौंदर्य है, ये बहुत अद्भुत उपलब्धि है। सारे दुनिया में इस अद्भुत उपलब्धि को बड़े सम्मान के साथ, बड़ी गरिमा के साथ देखा जाता है। और यह गरिमा, यह सम्मान जो हमने विवाह की व्यवस्था में, भारतवर्ष की परंपरा में विकसित किया, इसमें निश्चित रूप से कुछ आयामों में सुधार और परिवर्तन की आवश्यकता है। युवक और युवती एक वैज्ञानिक चेतना को विकसित करते हुए और वैज्ञानिक आधारों पर पुराने मूल्यों को नए मूल्यों के द्वारा विस्थापित करें। अगर आप भी साइंस डिवाइन फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहते हैं और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।